फर्स्ट रिएक्शन मूवमेंट नहीं हो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, खास खास करके इस गाने को लेके क्या रिएक्शन था जब आपसे कहा गया कि आपको इस गाने का हिस्सा बनना और आपको गाना है? एक्चुअली मैंने जब गाना पहली बार सुना मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि ये गाना मतलब बहुत बड़ा गाना होने वाला है, बिकॉज इतनी अच्छे से इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस किया गया है और ऑफकोर्स साकी तो ऑलरेडी एक आइकॉनिक गाना था और जिस तरीके से नई कॉम्पोजिशन आई है, पूरा म्यूज़िक जैसे उठ के आया है, जैसे फाइनल वीडियो निकल के आया, आई थिंक द इंटायर थिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थी जब मैंने ये फर्स्ट टाइम गाना सुना कि मैं इसका पार्ट होने वाली हूँ, एंड आई जस्ट गेव इट माय 1000%, क्योंकि ये जो मेरी जोन और जॉनर के गाने हैं, जिस तरीके जिन गानों के लिए मैं जानी जाती हूँ, उससे बहुत अलग है, एंड मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था इस की में इस तरीके से एक्सप्रेस करके गाना, बट मैंने कोशिश की और आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, सो फीलिंग अमेजिंग। जब हम बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन हाफ द बैटल इज वॉन, जिस तरह से प्यार स्नेह मिल रहा है, एक गाने की मैं अगर बात करूं, देखिए डेफिनेटली एक गाना गाने से ऑडियंसेस शायद थिएटर में चले जाएंगी, बट एंड ऑफ द डे द कंटेंट ऑफ द फिल्म हैज टू क्लिक विद द ऑडियंसेस फॉर देम टू कीप कमिंग फॉर the couple of weeks that they want to go and watch the film, so wo bahut important hai, but definitely ek acha gana can definitely give you that kind of opening, at least audiences wo excite hote hai ki you know we want to go on in the theater and we want to go and watch the song and the film. Nora, please let me know your story, how you came on board. So I came on board to play the character of Huma in the film Batla House. And while we were shooting the film, they were looking for a song which is required in the storyline where my character performs. And finally they zeroed in on Saki Saki, and we shot Saki Saki way after we finished shooting the film. But yeah, I came on board after giving like two look tests and auditions, and obviously everyone had to, you know, see the look test and then approve of it. And yeah, after they approved, I came on board, I started shooting. What are the most challenging part, doing this song or playing Huma? I think doing the song. Yes, yes, because playing Huma was really fun to do, because ek alag kardar hai aur expectations jo aaye the is character ke sath, whether it's the Hindi expectations or even the acting expectation, I was fully prepared. Maine prepare kiya fully shoot karne ke se pehle, but I think is gana mein wo expectation jo hai Dilbar ke baad dance mein and visuals के साथ, आई वॉज लाइक जो मैंने किया दिलबर में दोबारा नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे कुछ अलग करना है, एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट डिफरेंट विजुअल और द डिफरेंट हुक स्टेप और द डिफरेंट कोरियोग्राफी इज़ डिफिकल्ट इन इटसेल्फ, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन डन ऑलरेडी, यू नो, बट जब भी हमने सोचा कि फायर डांस करना चाहिए इस गाना में, आई फील दैट्स व्हेन द चैलेंज स्टार्टेड फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया लाइफ में फायर डांस, चैलेंज्ड योरसेल्फ, और या वो तो मैंने खुद को चैलेंज किया, यू नो, सो आई थिंक लर्निंग द डांस, द फायर डांस बहुत ही चैलेंजिंग था और आई वॉज रियली स्केयर्ड एक्चुअली डूइंग इट, एंड जब मैंने हुक स्टेप किया वो तो बहुत चैलेंजिंग था मेरी बॉडी के लिए, बट किया मैंने, एंड अभी बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस से, एंड आई थिंक द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द सॉन्ग इज द हुक स्टेप व्हिच इज फैंटास्टिक, वही होना चाहिए गाना के साथ, एंड सब लोग ट्राई कर रहे हैं हुक स्टेप, एंड एवरीबॉडी इज मेकिंग वीडियोज व्हिच इज सुपर्ब, एंड या आई थिंक यूजुअली गाने में जब अगर फायर डांस होते हैं देन बैकग्राउंड पीपल डू इट, लाइक यू हैव द फायर ब्लोअर्स और यू हैव फायर डांसर्स, बट ये लोग बैकग्राउंड लोग होते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंटर आर्टिस्ट करते हैं, हाँ, तो जब मैंने किया पहली बार सब लोग ने बोला सेट पे वाओ शाबाश अच्छा है, इट्स टेकिंग परफॉर्मेंस टू अनदर लेवल, जो होना चाहिए आई थिंक इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे गाने आते हैं हर साल में, एंड जब आते हैं आई फील लाइक लोग बोर्ड होते हैं ईजिली, so you have to give them something where they can get excited about, so yeah, absolutely. Raise the bar. आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों ने अपने comfort zone से बाहर आके काम किया, जो आपने पहले किया उसको तोड़ा कहीं ना कहीं इस गाने के मुताबिक, दोनों से क्या challenging रहा जब इस खास करके इस गाने पे जब काम करा गया, as she said just right now, you know she have done something absolutely different, yes, what she have done in the past. Same, मेरा भी मेरा zone actually इन गानों में
नहीं है, मैं ज़्यादा रोमांटिक गाने मुझे मिलते हैं, आई डोंट नो वाई, आई होप अब साकी के बाद पीपल कंसिडर मी फॉर दीज काइंड ऑफ नंबर्स, बिकॉज यू नो ऐसा होता है कि इस इंडस्ट्री में दे जस्ट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप यू के अच्छा ऐसा गाना है तो तुलसी से गवाएंगे नहीं तो. तो इस गाने में मैंने भी खुद को चैलेंज किया एंड इट वाज अ ह्यूज चैलेंज बिकॉज नेहा है साथ में गाने में, बीप्राग हैं जो यू नो दे आर नोन फॉर देयर थिक बैरिटोन्स इन टर्म्स ऑफ देयर वोकल्स एंड मैं हाई की में भी गाती हूँ बट जब मैं लो रेंज में गाती हूँ तो मेरे वोकल्स बहुत अलग लगते हैं. तो मैंने उसी पर काम किया और स्टूडियो में हालाँकि मैंने एक डब में उन्होंने अप्रूव कर दिया बट मैंने कहा नहीं मैं उसको वापस करूँगी बिकॉज आई न्यू इतना एनर्जी है गाने में, आई न्यू हर डांस मूव्स आर गोइंग टू टेक इट टू अनदर लेवल क्योंकि ये भी इतनी फोकस्ड है. तो आई थिंक वो सबका जो फोकस मिलके आया, आई थिंक एज अ टीम दिस सॉन्ग हैज़ हिट इट ऑफ एंड पीपल आर लविंग इट विद इन अ वीक, इट्स लाइक टॉपिंग द चार्ट्स एंड व्यूज तो मतलब डबल अप हो रहे हैं एवरी सिंगल डे. सब लोग ने बहुत मेहनत किया एंड आई थिंक आप देख सकते हैं वीडियो से, प्रोडक्शन वाइज से, इवन जब भी आप गाना सुनते हो ना हेडफोन से, यू कैन फील द प्रोडक्शन लेवल, यू कैन फील द एपिकनेस ऑफ द सॉन्ग एंड दैट्स यू नो हैट्स ऑफ टू तनिष्क, उसने बहुत पुल ऑफ किया अच्छे तरीके से अरेंज द सॉन्ग बिकॉज जब एक रिक्रिएशन आता है तो ये बातें ज़रूर होती हैं कि यू नो कंपैरिजन होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट उस कंपैरिजन को हम लोग कैसे उसको पॉजिटिवली डील करें और प्लस हम लोगों ने कितना अपना कुछ डाला है इस गाने में. सो जहाँ कॉम्पोजिशन भी नई डाली है, लिरिक्स भी कुछ नए डाले हैं एंड टोटली वी हैव काइंड ऑफ गिवन इट आवर फील एंड फ्लेवर एंड टोटली And I think stunned by the love we are getting. I think the best part is visuals alag hai and sound bhi alag hai. So yes, ye recreation hai, but it's done with care and it's done in a new upgraded kind of version which the youngsters can enjoy. This doesn't take away from the older version. The older version remains iconic, but this is a new version which everyone can enjoy now. Absolutely. And dance to and ye to achhi baat hai. Yes, he did. Yes. Yeah, very sweet of him. I'm proud, you know, you feel that somebody like Sanjay does appreciate your work. Of course, it's amazing. I think epic. Yeah, I think he was a part of such an iconic song. He's such an iconic personality himself, and a huge compliment coming from him, where we have recreated his song. बहुत बड़ी बात है कि Sanjay Dutt sir ने compliment दिया है. और क्या? What next? What happy my professional friend Tulsi? इसके अलावा और क्या? मेरे कुछ songs आने वाले हैं up next is a song from the film Sahu and you will be hearing me in 4 different languages. Oh cool. And उस पर काम चल रहा है और मेरा सिंगल आने वाला है तो उसमें आप मुझे सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सो उसी की तैयारी चल रही है. I'm shooting for Street Dancer. Actually, I just wrapped up. We've been shooting for 6 months, so I'm looking forward for that. I have an amazing role in that movie. एक सिंगल आने वाला है विकी कौशल के साथ जो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना है. आई एम एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो एंड आई हैव सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आई एम वर्किंग ऑन. ओके द लास्ट वन, प्रमोशन कितना थकाने वाला होगा? भूख लग रही है, मेरा पिज्जा बन रहा है उधर. बहुत आई थिंक बट जितना थकाने वाला होता है जैसे कि आई वाज टॉकिंग टू नोरा, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आई थिंक अगर हम लोग सामने नहीं आएंगे अपनी प्रोडक्ट जिस पे हमने इतनी मेहनत की उसके बारे में बताएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा. मैं और नोरा रोज अभी मिल रहे हैं, वी बिकम बेस्ट ऑफ बडीज. बट या इट टेक्स अ टोल ऑन यू. आपको जाते हो? नो, शी वाज रियली अनवेल बट शी इज बीन देयर फॉर the promotions and we're glad that but it's a beautiful opportunity. All artists want to be a part of this, but we're just a little tired.